भैया एक ठंडा देना। आपके कहते ही दुकानदार झट से कोक की बोतल निकालकर आपको दे देता है। कुछ ऐसा है भारत में कोका कोला का वर्चस्व, पर उसके साथ ही कोका कोला के साथ जुड़ा है एक रहस्यमय सवाल, और वो सवाल है कोका कोला के रेसिपी का सीक्रेट सिर्फ दो ही लोगों को क्यों पता है। अगर अपने गले की प्यास बुझानी हो या फिर किसी ड्रिंक का मजा लेना हो और आप अल्कोहलिक ना हो, तो जिस ड्रिंक का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वो है कोका कोला। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक है जिसे बच्चे से लेकर हर उम्र का व्यक्ति पीता है। वैसे तो इस दुनिया में काफी किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक बनी हुई है। अगर आप किसी दुकान पर सॉफ्ट ड्रिंक लेने भी जाते हो तो सबसे पहले आपके मुंह से कोका कोला का ही नाम निकल कर आता है। आखिर क्यों कोल्ड ड्रिंक में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे ज्यादा कोका कोला ही इतनी फेमस हुई है? क्यों लोगों की सबसे पहली पसंद कोका कोला ही है? शायद इसके पीछे इसका सीक्रेट फॉर्मूला ही है, जिस फॉर्मूले को इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कोका कोला के बारे में, उसकी हिस्ट्री से लेकर, और उन दो लोगों के बारे में जो इसके सीक्रेट फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला कब और कैसे बना और कब इसके उत्पादन की शुरुआत हुई। जो कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला था उसे 1886 में अटलांटा में बनाया गया था, और यह बताया जाता है कि इस फॉर्मूला को जॉन पेम्बर्टन द्वारा बनाया गया था। वो उस समय दवा की एक दुकान चलाते थे और उन्होंने अपने घर के पीछे एक केतली में अलग अलग तरह की बूटियां सामग्रियां उपलब्ध करा रखी थी, जैसे कि कोका के पत्ते और कोका फल जो कि कोकीन का एक स्रोत है, और उसी से कोका कोला फॉर्मूले का इजाद किया, और उसके बाद ही ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, और उसके बाद कोका कोला के उत्पादन की शुरुआत हुई। अगर कोका कोला के उत्पादन की बात करें तो उसका उत्पादन 1886 में ही शुरू हुआ था। उस समय एक काले रंग से इसकी शुरुआत हुई थी। माना कि अभी कोका कोला कई फ्लेवर में अपनी ड्रिंक बेचती है, लेकिन 1886 में अटलांटा जॉर्जिया में इसे तैयार किया गया था एक काले गहरे बुलबुले वाले सोडे के रूप में। जब कोका कोला की शुरुआत हुई तो उसके बाद ही कोका कोला ने दुनिया भर में अपने विस्तार की तरफ देखना शुरू कर दिया था। जब 1900 का दशक आया तो एशिया और यूरोप में बॉटलिंग का काम शुरू किया गया, लेकिन तब भी कंपनी का विस्तार इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध आया, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कंपनी का विस्तार काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। जब विदेशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को कोका कोला उपलब्ध कराई गई थी, और इसी के दौरान दुनिया भर में कोका कोला के लगभग 60 मिलिट्री बॉटलिंग प्लांट बनाए गए थे, और इसका फायदा वहां के स्थानीय लोगों को भी मिलता रहा। यही नहीं, कोका कोला का सफर अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व के रूप में भी देखा जाता है, और ऐसा ही प्रतीक होने की वजह से शायद कोका कोला कंपनी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कारण कई बार उलझी और कंपनी को काफी बार बहिष्कार भी झेलना पड़ा था। लेकिन इस कंपनी ने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार तरक्की करती रही, और कोका कोला कंपनी का ये भी दावा है कि हर दिन अपनी ड्रिंक्स का 1.8 अरब सर्विंग बेचती है। आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर भारत में कब आई थी कोका कोला की कंपनी। आज के समय में सॉफ्ट ड्रिंक के बिना भारतीय बाजार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में जितना सॉफ्ट ड्रिंक की लोकप्रियता है उतनी ही शायद ही कहीं कभी हो, और भारत में सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आपको दिखती है। यहाँ तक कि कई कंपनियां सॉफ्ट ड्रिंक की और भी बन चुकी हैं, लेकिन भारत में कोका कोला की शुरुआत आज से काफी साल पहले यानी कि 1956 में हो गई थी। उस समय फॉरेन एक्सचेंज एक्ट नहीं होने के कारण कंपनी को भारत में काफी अच्छी ग्रोथ मिली थी। लेकिन जब वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार आई और उन्होंने भारत में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की शुरुआत की, तो उसके बाद 1977 में एक एक्ट के मुताबिक कोलकाता के कारोबार ने कोका कोला के कारोबार ना करने के चलते भारतीय बाजार को छोड़ना पड़ा था। लेकिन फिर भी उसके बाद 1993 में उदारीकरण की नीतियों के चलते कंपनी को भारत में कारोबार करने की सरकारी अनुमति मिल गई,
ज्यादा इक्विटी रखने से कंपनी को रोकने वाला फॉरेन एक्सचेंज आज पूरी तरह से संशोधित हो चुका है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कोका कोला का सीक्रेट कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला रखा कहां पर गया है। तो हम आपको बता दें कि जो कि कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का कोका कोला कंपनी में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी या फिर किसी भी अधिकारी को नहीं पता है। इस फॉर्मूले को अटलांटा के सनट्रस्ट बैंक में इसकी ओरिजिनल कॉपी रखी गई है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि सनट्रस्ट कोका कोला के सीक्रेट फॉर्मूले को किसी के साथ शेयर कर दे या फिर लीक कर दे दे, लेकिन इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसके लिए कोका कोला में सनट्रस्ट को 48.3 मिलियन शेयर दिए गए हैं ताकि सनट्रस्ट किसी को भी इस फॉर्मूले को शेयर ना करे। और इसके साथ ही सनट्रस्ट के अधिकारी को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल किया गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्मूले को अगर किसी को पता नहीं है तो फिर कोका कोला ड्रिंक कैसे बनती है। तो हम आपको बता दें कि इसके फॉर्मूले को सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला जो कि हमेशा से ही चर्चा में रहा है। और जिस फॉर्मूले को किसी भी अधिकारी को नहीं पता कि कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, जी उसके बारे में वो कौन से दो लोग हैं जो जानते हैं। कोका कोला कंपनी के दो एग्जीक्यूटिव ही इसका राज जानते हैं। और कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी है कि उसने आधा फॉर्मूला एक एग्जीक्यूटिव को बता रखा है और आधा फॉर्मूला दूसरे एग्जीक्यूटिव को बता रखा है। ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते और ना ही एक दूसरे के बारे में जानते हैं। अगर इन दोनों एग्जीक्यूटिव को कहीं दूर भी जाना होता है या फिर कहीं ट्रैवल भी करना होता है तो अलग अलग करते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को जान पहचान ना ले और आपस में मिलकर पूरा फॉर्मूला इकट्ठा ना कर ले, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रखा जाता है। फॉर्मूले की सिक्योरिटी को लेकर कंपनी ने 2011 में भी बयान दिया था कि उसका फॉर्मूला अपनी जगह सुरक्षित है और वो बाहर नहीं आ सकता। अब आप देख सकते हैं कि कोका कोला ने अपने फॉर्मूला कितना सुरक्षित रखा हुआ है कि जिस वजह से किसी को भी नहीं पता लगता कि कोका कोला के फॉर्मूले के बारे में। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी कंपनी कोका कोला ने अपनी शुरुआत की और शुरुआत होने के बाद एक छोटे से फॉर्मूले से लेकर इतना बड़ा सफर तय किया और आज बच्चे बच्चे की जुबान पर कोका कोला का नाम है। और आज आप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया या फिर किसी भी यूरोपीय कंट्री में देखेंगे तो आपको कोका कोला कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी कोका कोला पीते हैं और आपको कोका कोला के इस रहस्य ने चौंका कर रख दिया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंत में कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।